हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं सूजी का बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा सा नाश्ता, जिसमें ना हम सोडा का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इनो का इस्तेमाल करेंगे। और ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, जिसको कि हम 5 से 6 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये नाश्ता खाने में तो बहुत टेस्टी और चटपटा सा है ही है। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और स्पाइसी जो अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये चटपटा सा नाश्ता। सबसे पहले हम 1 कप पानी एक पैन में गर्म करेंगे। पानी गर्म होने पर हम इसमें नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और डालेंगे हम थोड़ा सा 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, यानी कि ये चिली फ्लेक्स हैं, इनके लिए हम डाल लेंगे। ये कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब हम इस पानी को उबलने देंगे और अब हम इसमें 1 कप सूजी डालेंगे। सूजी को डाल के हम लगातार चलाएंगे, जिससे सूजी में कोई लम्स ना रहे। और इनको चलाते हुए हम एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम 1 चम्मच देसी घी का डालेंगे, जो कि हमें इसको थोड़ा सा ऑयली और चिकना करने में मदद करेगा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पानी डाला है, फिर नमक, चिली फ्लेक्स, और डाल ली है हमने सूजी, और लास्ट में हमने थोड़ा सा घी डाला है, यानी हमने 1 चम्मच घी डाला है। तो अब हम इसको मिक्स करते करते तब तक मिक्स करेंगे कि जब तक ये एक डो के आकार में नहीं आ जाता है। हमें इसको इकट्ठा होने तक मिक्स करना है। और ये देखिए, एक डो जैसा ये लगकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसको गैस को कर देंगे बंद और थोड़ी देर तक और चलाएंगे, और हम इसको अब ठंडा होने देंगे। हाथ से छूने लायक हमें इसे ठंडा कर लेना है। और अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं कलछी की सहायता से। ये देखिए, बिल्कुल इकट्ठा हो गया है और बहुत ही चिकना सा डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा और ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे कि ये हाथ से छूने लायक हो जाए। तो जब ये हाथ से छूने लायक हो जाएगा तो हम इस तरह से इसका गोल गोल पेड़ा बनाकर उसको अंगूठे की सहायता से हम बीच में एक छेद कर देंगे। तो इस तरह से हमने इनको आकार दिया है एक पेड़े जैसा। अब हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और उसको गर्म होने देंगे, और उसमें डाल देंगे सरसों दाना यानी कि राई दाना, थोड़ा सा हम हींग का 1 टिंच डालेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है क्योंकि अच्छी लगती है, और बाद में हम डाल देंगे इसमें करी पत्ता, और इन सबको अच्छे से भूनने देंगे। और थोड़े से चिली के फ्लेक्स डाले हैं, वो भी हम इसमें साथ में भून लेंगे। और अब हम डाल देंगे 1 कटी हुई हरी मिर्च। तो ये तड़का बनकर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। ऊपर से हम धनिया या पुदीना इसमें डाल दें, जो भी आपको पसंद है उसकी पत्तियाँ डाल दें। और अब हम एक एक करके इनको डाल देंगे। तो सबको हम इकट्ठा ही डाल देंगे और इनको अच्छे तरह से इसमें कर लेते हैं हम मिक्स। तो तड़का सब पे अच्छे से लग जाना चाहिए और सब अच्छे से भुन जाना चाहिए, जिससे इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हम लगातार कलछी से चलाते हुए इसको अच्छे से सेक लेंगे। और इस पॉइंट पर हम गैस को थोड़ा सा मीडियम ही रखेंगे और सबको हमें 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए सेक लेना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इनका और बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर टोमेटो का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा टोमेटो केचप। तो टोमेटो केचप की जगह आप टोमेटो का पेस्ट भी डाल सकते हैं टमाटर का, लेकिन मैं यहाँ पर टोमेटो केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसका टेस्ट भी इस नाश्ते में बहुत अच्छा आता है। तो ये नाश्ता हमारा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। टोमेटो केचप को अच्छे से मिला लेना है और ये खाने के लिए नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और नाश्ते को पलट लेते हैं एक बाउल में। तो कभी कभी जब रोज से अलग हमें कुछ खाने का मन हो तो हम बना सकते हैं ये सूजी का मज़ेदार चटपटा सा नाश्ता, जिसमें ना ही हमने सोडे का इस्तेमाल किया है और ना ही
इसमें हमने इनो का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब आती है खाने की बारी, तो हम इसको खा के देख लेते हैं। वाह, ये बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और भाई मुझसे रुका नहीं जा रहा है, तो मैंने इसको फटाफट से खाना शुरू कर दिया है। तो आप भी ये नाश्ता बनाएं, वो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि जिससे जो भी नई अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।